अब राजेश सातपुते, आपने दोनों ही ये स्टैक्स देख लिए हैं जो हाईलाइट कर रहे हैं आशीष और नीरज। बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको आशीष और नीरज दोनों की ही टीम में से? हर्षदा जी देखिए, अगर मैं आशीष जी की टीम से शुरुआत करूंगा तो जो सबसे बढ़िया जो दिखता है वो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। टेक्निकली अगर आप देखें तो इसका 200 डीमा बनता है करीबन 438 एग्जैक्टली इसी लेवल को ये पिछले आप कह सकते हैं कि 5 दिन से रिस्पेक्ट कर रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन के उभर के आ रहा है तो मेरे हिसाब से ये लेवल सही होगा अगर आपको थोड़ा काउंटर ट्रेड लेना है। सो ब्रिगेड बाय करूंगा, 430 का लेवल याद रखें इसके ऊपर आपको बाय करना है, 430-435 रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 425 का और मेरे हिसाब से इंट्राडे का जो स्विंग होगा वो रहेगा 465 से लेके 470 तक का। नीरज जी की टीम में जो सबसे बढ़िया प्ले है वो है ऑयल का प्ले और मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे बढ़िया जो लग रहा है वो है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में देखिए हाल फिलहाल में करीबन 300-310 का टॉप बना था, उसके बाद ये इसमें करेक्शन आया 220 तक, 220 इसका 200 डीएमआ था एग्जैक्टली इससे लेवल को ये पिछले आप कह सकते हैं कि 6 दिन से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आज मुझे लगता है ये एक सही मौका मिल रहा है, 233 के आसपास ही है तो हम लोग 200 डीएमआ के बहुत नजदीक है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं ऑयल इंडिया विद स्टॉप लॉस ऑफ 225। इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 242, बहुत नजदीक ही रेजिस्टेंस खुलती है। अगर 240 के ऊपर खुलता है तो क्लियर कट बाय कैंडिडेट है। इसका जो टारगेट बनता है मेरे हिसाब से वो रहेगा 260-265, तो एक अच्छा मूव मुझे लगता है ऑयल इंडिया में ड्यू है। तो ऑयल इंडिया और साथ ही साथ ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ये दो ट्रेड्स जो राजेश सातपुते पिक कर रहे हैं चार्टिकली। देखिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस आज खबरों में भी है, चेन्नई में 21 लाख स्क्वायर फुट में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, 2% ऊपर खुल रहा है और कच्चे तेल में जो उबाल आया उसके चलते ऑयल इंडिया आप रेडार पर रखेंगे जरूर, ये भी 1.5% ऊपर खुलने के आसार बनाता हुआ।